हेलो कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा नर्वस और एक्साइटमेंट भी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन अभी का ये जो ये वाला वीक होगा इसके लिए थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे। आंखें भी अच्छी लगेंगी वैसे। मुझे तो ग्लासेस भी लगी अच्छी लगती थी। हाँ अच्छी तो लगती है, मतलब बुरी नहीं लगती, पर यहाँ पे बोझ बहुत होता है और जब लेंस लगाते हैं ना तो अच्छा, जब ज्यादा देर तक लगाए रखो, लाइक सुबह से लगाए हो, रात को लेट हो जाए, आप बाहर हो, कोई शादी हो या वैसे लॉन्ग कॉल हो, यहाँ के बहुत ड्राई बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे जिनकी आई साइट वीक होती है उन्हें अनेक से मसला होता है, जिनकी नहीं वीक होती उनको शौक बड़ा होता है। ये तो रूल ऑफ थंब है कि इस तरह से तो होना ही होना होता है। मेरा दिल करता होगा मुझे ग्लासेस लगा तो यही लगा ली थी। मैंने सोचा है कि ये मैं ही ले लूंगी दोबारा डाल के ना, बस सही है। शक्ल इधर करना जरा, मुंह धोया भी था कि वैसे उठ के आई है? मुंह धोया मैंने, थोड़ा सा लोशन भी लगाया और सनब्लॉक लगाया और बस। अच्छा मतलब मेकअप कुछ नहीं है आज? वैसे क्यों नहीं किया हुआ? इसलिए ऐसे बात करते हैं कुछ भी नहीं, मुझे उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि आपने विदाउट मेकअप आना है हर तरह का और बिल्कुल भी कोई परफ्यूम भी नहीं लगाना, तो अगर स्मेल आए तो बर्दाश्त कर लीजिए। अच्छा परफ्यूम भी नहीं लगाना? नहीं कोई परफ्यूम भी नहीं, कॉस्मेटिक्स भी नहीं, मेकअप भी नहीं, नथिंग, कोई हेयर प्रोडक्ट भी नहीं इस तरह। अच्छा और उसके अलावा कुछ कोई तैयारी ऑपरेशन की, कोई केयर उसके बाद की? पहले की तो कोई केयर नहीं थी, ड्रॉप्स उन्होंने दिए हुए थे वो डालने थे, कल से स्टार्ट किए थे, आज भी दो बार डाले हैं और अभी दोबारा बल्कि अच्छा वो याद कराया चाहते हुए एक बार डाल लूंगी। अच्छा अच्छा और उसके अलावा और कहाँ से कर लूँ मैं, कहाँ से करवा रही है? ये डॉक्टर इंतजार बट हैं लाहौर मेडिकेयर में, वहाँ से उनसे करवा रही हूँ। और उसके अलावा ये कि कुछ चीज़ें जो साथ लेके जानी थी, ड्रॉप साथ लेके जाने हैं, ग्लासेस साथ लेके जानी है, क्योंकि हो सकता है जब मैं वापस आऊँ तो मैंने काला चश्मा लगाया हुआ होगा तो बाहर कैसे फिरेगी अगर उन्होंने मना कर दिया? मेरा ख्याल है वो कहेंगे कि अभी कुछ उससे बाहर नहीं फिरना क्योंकि आंखों में स्कार होता है। अच्छा अच्छा तो उन्होंने इंटर्न की शुरू किया हुआ, मुझे मजा आ रहा है। चल ठीक है बाय बाय। हाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है सुबह सुबह 9 बजे उठ के? पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा क्या मुसीबत है, मुझे ऐसी पता है वैसे 9 भी इतनी सुबह नहीं होती, जो लोग अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं वो 5 से 6 बजे होते हैं। कितने बजे उठती हैं आप? हाँ बेचारी फारिया उठ भी जाए, आप सोई हुई होती हैं 2 बजे फारिया की वजह से, वरना मैं बड़ी टाइम की पाबंदी हूँ कोई हाल नहीं है। चल मैं अभी दिखाती हूँ इनको कि मैंने बैग में अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है एक तो मैंने सन ग्लासेस रखी हैं क्योंकि वापसी पे मैंने ये पहननी हुई होंगी, और हो सकता है सोना भी इनके साथ हो। ठीक है अच्छा ये ड्रॉप्स हैं, मैं इनका नाम नहीं दिखा रही अभी फिलहाल, तो ये डालने थे 2 दिन से, बाद में भी 1 हफ्ता डालने होंगे। कैप मैंने सेफ साइड पे रख ली है कि वापसी पे अगर धूप हुई तो शायद मैं पहन लूँ, और साथ में ये कैचर रखे क्योंकि बाल आंखों में आएंगे तो मैंने इस वजह से ये भी साथ। और बैग में जो चीज़ें वो नहीं दिखाई? ठीक है पहुँच गए हम हॉस्पिटल, तो अब हमने 2nd फ्लोर पर जाना है, तो वहाँ पे आगे दिखाते हैं कि क्या मामला तो होंगे। एक्साइटेड तो नहीं हूँ हम, पर अब बना रही हूँ व्लॉग तो क्या करूँ, हर चीज़ अपडेट तो करनी चाहिए। ये जा रही 2nd फ्लोर। बीच में ट्रैफिक जैम हो गई थी। पेपर की खैर है? चलो ठीक है जी। क्या चल रहा है? हीटर ओहो पहले आ जाना चाहिए था ज़्यादा से। गाइस दिस इज माय पेशेंट रूम, दिस इज अ विंडो एंड दिस इज एन एसी, दिस इज माय एक्साइटेड वॉइस, this is my sister, that is a blower, this is a dustbin, this is a toilet,
अभी बेसिकली मैं अपना एक टेस्ट करा के आई हूँ और होपफुली इंशाल्लाह प्रोसीजर आज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हो कि कॉर्निया आपका ना ठीक हो तो फिर ये होता है कि उन्हें दोबारा से फिर लाइक फिर सर्जरी नहीं हो सकती। तो अभी आई थिंक इंशाल्लाह मेरा कॉर्निया बिल्कुल ठीक है और आज ही हो जाएगा। वैसे तो डे प्रोसीजर होता है, मतलब ये कि उसी दिन आप फ्री हो जाते हो, पर इन्होंने मुझे ये रूम दे दिया है यहाँ पे, तो शायद बाद में थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होगा या ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। अभी तक जिन्होंने सर्जरी करनी है डॉक्टर इंतज़ार वो खुद आए नहीं है, तो लेट्स सी। हो गया कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है, लेकिन प्रोसीजर बड़ा अनकंफर्टेबल था, इतना पेनफुल तो नहीं था, सिर्फ वो जब आँख किस चीज़ से खोलते हैं वो थोड़ा सा हल्की सी पेन हुई थी उससे, लेकिन मेरा ख्याल है चार मिनट लगे होंगे, और उससे पहले उन्होंने जो मुझे प्रिपेयर किया था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, बस जो वॉश वगैरह आइस करते हैं और बाल वगैरह बांध दिए थे बस। अभी उन्होंने कहा है कि जाके घर सो जाना, मेडिसिन भी है पेन किलर आज लेनी है सिर्फ, कल तो पेन किलर की भी जरूरत नहीं होगी, और कुछ ड्रॉप्स लिख के दिए जो कि दो हफ्ते के लिए डालने हैं, वो डिफरेंट ड्रॉप्स मतलब 2 वीक्स के लिए डालते रहने। अच्छा। और मोबाइल और स्क्रीन कोई भी 2 दिन के लिए यूज़ नहीं करनी, कुकिंग भी नहीं कर सकते और बाहर भी नहीं जाना, 2 दिन का लाइक कंप्लीट बेड रेस्ट है। तो बाहर जाने की भैया रैली हाँ तो पाथे के कौन संभालेगा? तू संभालेगी, उसकी खाला फारिया का ख्याल करेगी, नानी संभालेगी नानी जाने और खाला जाने, हम तो रेस्ट करेंगे, हम तो मरीज हैं। मेरा ये पढ़ा तूने? कहाँ गई? ये पढ़ा क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? पढ़। लिखा? अस्पताल में नीकर शॉर्ट ट्राउजर पहन कर आना मने। ओह मैं तो पहन के आने लगी थी। अच्छी बात है नहीं पहन के। एक मिनट दिखा तू बस। ये देखिए इसका टाइम पास हो रहा है, इसको डॉक्टर नहीं मिला। हाँ काफी रश है। हम लोगों के भी कंसल्टेंट आने में टाइम है, तो पूरा हॉस्पिटल देखते हुए ये कर क्या रही है? और मेरी जो अगर आप देखेंगे दिखा थोड़ा हाँ थोड़ा नजर आया वैसे, ताकि लोगों को लगे ना मैं मरीज हूँ, काम कराने के लिए आई हूँ, उन्होंने क्या नहीं क्या मैं तो अभी कह रही हूँ सिक्योरिटी वाला ना जाए, निकलो यहाँ तुम लोग कर क्या रहे हो? फिर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आर्मी का बिगो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसको उठाने आया ये? ये देख सकते हैं आप, ये बिगो खड़ा हुआ है ना, बस ये ना आजकल बाहर निकल के मुझे डर भी लगता है, मुझे इन्हें उठा के ले जाए। अच्छा हॉस्पिटल कैसा लगे? हॉस्पिटल में आप लोगों को दिखाती हूँ। इनका टाइम हो गया और अब ये भागते हुए अपने डॉक्टर के पास। हाँ कौन सी? मैं दिखा रही हूँ कि इनके डॉक्टर का टाइम हो गया और अब ये भाग रही हैं। हाँ सही बात है, इधर बना सकती हैं भाई रश में वो। बस ठीक है हाथ लगाना मना है, हाथ ना लगाई ना करंट पड़ेगा। फिर कोई है? फिर उन्होंने कैमरे में देख लिया तो पागल समझने, पहले तुझे ना किसी पागल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ड्रामा शुरू, चल जा अब, चली भी आराम से।
मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू आज आ गई हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं अलफतेह, क्योंकि आपको याद होगा मैंने रिसेंटली केराटिन कराया है, तो उसकी आफ्टर केयर के लिए जो शैम्पू वगैरह लेना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी है। क्या ले रही हैं बाप? ड्राई फ्रूट चलवा जा। बिल आगे देना। पहली बार देखी है। हमेशा इसकी चॉकलेट ही देखी है। ये तुर्क से आते हैं ना, ये तुर्क का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे ले। चिलगोजे खरीदने के बाद पैसे बचाने के लिए बैग के अंदर सारा कुछ है और बाकी सारा सामान हमने ऐसे हाथों में पकड़ा है। कितने आप देसी, जितने भी आप वो हो जाओ, आप हमेशा देसी देसी रहते हैं। और बस आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।